डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ स्केच ऑफ महात्मा गांधी, हु इज वन ऑफ द एजुकेशनल अमंग द एजुकेशनल थिंकर्स। बच्चों, आज हम जिस शख्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो महात्मा गांधी हैं, जिन्हें बापू भी कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधीज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर एट काठीवार इन गुजरात। वो दो अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठीवार जो गुजरात में है वहाँ पैदा हुई। हिज फादर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स ऑफ पोरबंदर एंड राजकोट। उनके वालिद जो थे वो वजीर अजम थे पोरबंदर और राजकोट रियासतों के। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा। 13 साल की उम्र में उसे कस्तूरबा के साथ शादी की गई। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1887। उसने 10वीं जमात का इम्तिहान 1887 में पास किया एंड वेंट टू इंग्लैंड ऑन 4 सितंबर 1887। और इसके बाद वो 4 सितंबर 1887 को वो इंग्लिस्तान चले गए फॉर स्टडिंग लॉ, कानून के बारे में पढ़ने के लिए, यानी कानून का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। ही पास्ड हिज लॉ एग्जामिनेशन एंड वॉज कॉल्ड बार एट लॉ इन 1891। उसने लॉ का इम्तिहान पास करके उसे बार एट लॉ कहा जाता है कि उसने 1891 में ये डिग्री उसने कंप्लीट की और वो बैरिस्टर बन गई, यानी बहुत बड़े वकील बन गई। गांधी जी केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट राजकोट। गांधी जी वापस हिंदुस्तान आ गए और उन्होंने वकालत शुरू की राजकोट में। इन अप्रैल 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू हेल्प। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए इन ए बिग लीगल केस, बट ही स्पेंट 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ देयर। लेकिन उसने 20 साल वहाँ, जिंदगी के 20 साल वहाँ गुजारे। देयर ही सॉ दैट एशियंस एंड अफ्रीकन्स पर्टिकुलरली इंडियन्स वर इंसल्टेड एंड डिसग्रेस्ड। वहाँ उसने ये देखा कि एशिया के बरअज़म से ताल्लुक़ रखने वाले और अफ्रीकन्स और ख़ासकर हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, उनको बेइज्जती की जाती थी, उनको बेइज्जत किया जाता था।
जैसे दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता तो इन लोगों को, खासकर हिंदुस्तानियों को, कोई वहाँ इज्जत नहीं मिलती थी। दिस अवेकनड हिज पॉलिटिकल फीलिंग्स, इसकी वजह से उसके सियासी एहसासात बेदार हो गई कि इंसान तो सारे बराबर हैं, लेकिन ये इम्तियाजी सलूक उसको पसंद नहीं आया। ही जॉइनड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्टार्टेड मेनी नॉन वायलेंस मूवमेंट्स, और वो हिंदुस्तान आकर उसने तहरीक आज़ादी शुरू की, ज्वाइन की, और फिर उसने नॉन वायलेंस मूवमेंट्स शुरू किए जिसमें सत्याग्रह थे, सत्याग्रह और दूसरी मूवमेंट उसने शुरू कर दी कि तशद्दुद के बगैर तहरीकें शुरू की। ही वर्कड फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन, उसने कौम की, मुल्क की यकजहती के लिए उसने काम किया। एंड रिमूव्ड प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो एक तबके के साथ जो अच्छा सलूक नहीं किया जाता था हिंदुस्तान में, तो उसने उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया अनटचेबिलिटी के, उनके साथ छुआ न जाए, उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि सारे इंसान तो बराबर हैं, All people are, all men are equal before God. Under his leadership, India became independent on 15 August 1947. उसकी कयादत में हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी का जश्न अभी थोड़ा ही वक़्त हुआ था कि उसको कत्ल कर दिया गया। He was shot dead on January 30, 1948. उसको 30 जनवरी 1948 में एट द हैंड्स ऑफ नथुराम तो वो कत्ल किया गया नथुराम के हाथों में, हाथों से 30 जनवरी 1948 को उसको कत्ल किया गया। द होल वर्ल्ड वॉज प्लंग्ड इनटू डीप एंड डिस्क्राइबेबल ग्रीफ, और पूरी दुनिया इसकी वजह से, इस दुख की वजह से परेशान हो गई कि पूरी दुनिया में ये दुख छा गया कि ऐसा इंसान जिसे इंसानियत की हमदर्दी थी और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी थी, तो उस जैसे इंसान के को ये पेश आया। तो इंशाअल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम।